और बात करेंगे वर्ल्ड कप में। आज टूर्नामेंट में प्रचंड फॉर्म में चल रही टॉप दो टीमें भारत और न्यूजीलैंड धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इन दोनों ही टीमों ने मौजूदा टूर्नामेंट में अभी तक अपने सभी चार मैच जीते हैं, लेकिन आज इनमें से एक टीम का जीत का सिलसिला थम जाएगा, लिहाजा भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक कड़ी टक्कर होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। दोनों ही टीमों के बीच अभी तक कुल 116 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, इनमें से 58 मैच भारत ने जीते हैं तो 50 के नतीजे न्यूजीलैंड के पक्ष में रहे हैं। वहीं अगर हम 7 मैचों का बात करें तो कोई नतीजा जो है वो निकल नहीं पाया है, जबकि एक मैच जो है वो टाई रहा है। आईसीसी विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मैच हुए हैं, जिनमें से कीवी टीम ने 5 तो टीम इंडिया ने 3 मैच में जीत दर्ज कराई है। धर्मशाला के इस खूबसूरत मैदान पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी ये एक अच्छा स्थान है। हालांकि यहाँ के पिच पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास मदद नहीं होती है। इस वर्ल्ड कप में अभी तक इस मैदान पर कुल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा स्कोर जो है वो लगभग 364 रन का रहा है, जबकि न्यूनतम स्कोर की अगर हम बात करें तो 156 रन का रहा है। इसके अलावा यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर 231 रन है, जबकि दूसरी पारी का एवरेज स्कोर की बात करें तो 199 रन है। वहीं इस मैदान पर ओस आने की संभावना भी रहती है, ऐसे में कप्तान टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। तो आज का जो मैच है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, धर्मशाला में भारत न्यूजीलैंड का अहम मुकाबला आज होना है। रोहित ब्रिगेट में होगी न्यूजीलैंड टीम की टक्कर, रोहित ब्रिगेट की न्यूजीलैंड की टीम से टक्कर होनी है। दोपहर 2 बजे खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड का मैच। विश्व कप में जीत के रथ पर दोनों ही टीमें सवार हैं, अभी तक 4 मैच दोनों ने खेले हैं और 4 मैचेस की अगर हम बात करें तो एक भी मैच ना तो भारत हारा है और ना ही न्यूजीलैंड हारा है। भारत न्यूजीलैंड मैच से पहले फैंस का जोश जो है वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है, और उम्मीदें हमेशा टीम इंडिया से रहती ही हैं, और जिस तरह से इस वक्त परफॉर्म टीम इंडिया कर रही है पिछले 4 मैचेस की हम बात करें तो चाहे बल्लेबाज हो चाहे हमारे बॉलर्स हो, सभी फॉर्म पर चल रहे एक तरह से ये कहा जा सकता है। लेकिन आज चुनौती ये है क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो नहीं खेल रहे हैं, और हार्दिक पांड्या जो है वो बॉलर्स में की बात करें और साथ ही बल्लेबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। मुंबई से पहले सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। धर्मशाला स्टेडियम में हो रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप के इस मैच को लेकर भारतीयों में उत्साह काफी ज्यादा है। ऐसे में पिछले सभी मुकाबलों में भारत ने जो जीत हासिल की है उसके बाद से ही आज इंडिया को लेकर और साथ ही इंडिया मैच जीतेगी इसको लेकर सभी भारतीयों का क्या कहना है हम आपको बताएंगे, और साथ ही क्या बोल रहे हैं वो सुनवाएंगे भी। सबसे पहले यहाँ पर जो है एक काफी लोग बैठे हुए हैं जो बोरीवली के स्टेडियम में, हालांकि आज रविवार है और हर रविवार को यहाँ पर मैच खेला जाता है, और आज टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए खास तौर पर जो है ये लोग एकत्रित हुए हैं। ये इनसे जानते हैं और बात करते हैं। सर, आज मैच होने वाला है, इसे डू और डाई माना जा रहा है, भारत जो है रेडी है बदला लेने को लेकर न्यूजीलैंड से, आप कैसे देखते हैं भारत के इस समय इस पूरी स्थिति? बेसिकली टेबल टॉप क्लैश है, इट विल डिसाइड हु इज द प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स। जो इंडिया को बोल रहे थे कि प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स है, लेकिन न्यूजीलैंड भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो अगर ये मैच उनको हरा दिया तो एक वो बाकी सारी टीमों में भी खौफ हो जाएगा और एक अपना भी रुतबा वैसा हो जाएगा कि इंडिया इज जेन्युइनली प्लेइंग गुड क्रिकेट। एक प्लेयर की कमी की वजह से बाकी टीम के प्लेयर का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, उन लोग ने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए। सो मेरा कहना ऐसे ही होगा कि जो भी रिप्लेसमेंट्स है, जो इन टीम अभी फिलहाल है, उनको उन्हें बैक करना चाहिए ताकि उनका भी परफॉर्मेंस उनके कंपैरेटिवली सेम हो और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस। पहली बात है कि वर्ल्ड कप अपने इंडिया में है तो बहुत बड़ी बात हुई। 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था, फिर अभी जाके अपने इंडिया में हो रहा है, और प्लस अपने इंडिया सेकंड पे टेबल में, और अपने इंडियन प्लेयर्स भी फॉर्म में है, जैसे कि रोहित शर्मा अपना कैप्टन है वो भी फॉर्म में है, विराट कोहली, फिर अपने बॉलर। सो ऑब्वियसली आज का मैच तो देखना ही है, बट ऑब्वियसली इंडिया पूरी सीरीज अच्छी खेलती आ रही है तो आज भी इंडिया अच्छा ही खेलेगी, और यहाँ पे हम लोग सब लोग उसके लिए चेयर अप ही कर रहे हैं कि आज भी इंडिया ही जीतेगी। रविवार का दिन धर्मशाला स्टेडियम में हो रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड के मैच को लेकर लोगों में उत्साह काफी ज्यादा, हालांकि हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे, इसके बावजूद लोगों का एक ही कहना है कि आज जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया। कैमरा पर्सन विनोद गुप्ता के साथ सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं, राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही सुनील यश कालरा फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जोशी एडिटर स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है और दोनों ही टीम को लेकर बात करें तो चार चार मैच अभी तक खेले हैं और दोनों ही टीम एक बार भी नहीं हारी है। तो आज जो धर्मशाला के मैदान में मैच हो रहा है, आप टीम इंडिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए क्या चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा मैच है। ये मेरा सवाल राजकुमार जी से। देखिए अनन्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों ही टीमें चार चार मैचेस जीत के टॉप पर चल रही हैं और आज फैसला होगा कि पहला कौन सा मैच हारेगी कौन सी टीम। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय टीम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। एक छोटा सा सेटबैक ज़रूर है भारत के साथ कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं है और शायद आज का मैच ना खेलें, तो वो ज़रूर एक सेटबैक है भारत के लिए। अदरवाइज़ भारत फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए। न्यूजीलैंड एक शानदार फॉर्म में है, बट मुझे लगता है कि भारतीय कंडीशंस में भारत हमेशा भारी पड़ा है न्यूजीलैंड के ऊपर। आईसीसी के रिकॉर्ड्स आप देखें तो वहां पर लगेगा कि न्यूजीलैंड भारी पड़ा है भारत के ऊपर, लेकिन जब भी भारत की सरजमी पर न्यूजीलैंड खेला है तो भारत हमेशा हावी रहा है और वही आशा मुझे आज भी है कि भारत हावी रहेगा और ये भारत को एक एज है न्यूजीलैंड के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब भी भारत की सरजमी पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच हुआ है तो भारत हावी रहा है और उम्मीद यही है कि आज भी उसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। क्योंकि आपने हार्दिक पांड्या का जिक्र किया, हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए राजकुमार जी? और साथ ही क्योंकि शार्दुल ठाकुर को लेकर भी फैंस तमाम सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार शार्दुल ठाकुर जब नहीं चल रहे हैं तो फिर वो टीम में क्यों है, उनकी जगह क्या किसी और को होना चाहिए? देखिए, शार्दुल को एक ऑलराउंडर के रूप में खिलाया जा रहा है या उनको थर्ड सीमर के रूप में खिलाया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है जितना एक्सपेक्टेड था टीम मैनेजमेंट को या कप्तान को, उनसे जितनी उम्मीदें थी वो अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं वो। और यहाँ पर क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है तो भारत को एक स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ उतरना होगा, तो मुझे पूरी आशा है कि मोहम्मद शमी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, अटैकिंग गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हैं और पावर प्ले में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहता है, तो वो रिप्लेस करेंगे मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को। और यहाँ पर हार्दिक पांड्या के जाने से यहाँ पर जो एक ऑलराउंडर की एक कमी महसूस होगी, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक चेंज और हो सकता है अनन्या, कि आप देखें कि अगर शार्दुल की जगह एक बल्लेबाज सूर्य कुमार के रूप में खेलता हुआ नजर आया, क्योंकि तभी एक बैलेंस देगा वो टीम को। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत प्योरली 5 बॉलर के साथ जाएगा, जबकि अब तक हम 6 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। बिल्कुल, और अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं तो हमने देखा है कि पिछले मैचेस में रोहित शर्मा फॉर्म पर चल रहे हैं, विराट कोहली भी फॉर्म पर चल रहे हैं, बुमराह की बात करें तो अगर हम इस वर्ल्ड कप में देखते हैं तो 10 विकेट अब तक ले चुके हैं। और वहीं अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं तो डेन कॉनवे हैं जो कि 4 मैच में 249 रन बना चुके हैं, साथ ही रचिन रविंद्र 215 और मिचेल सेंटनर की अगर हम बात करें जो कि 11 विकेट ले चुके हैं, इन खिलाड़ियों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, जो हमारे टॉप के बल्लेबाज हैं वो सभी दोनों ही टीम में हम देख रहे हैं जो कि फॉर्म पर नजर आ रहे हैं। देखिए, न्यूजीलैंड एक बहुत ही बैलेंस टीम है और उनकी बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रांग है, टॉप 4 बहुत स्ट्रांग है। आप डेरिल मिचेल को देखें, डेविन कॉनवे देखें या रचिन रविंद्रा, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और साथ साथ उनकी गेंदबाजी भी, अनन्या कहना होगा कि फास्ट बॉलिंग उनका बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि वही उनकी स्ट्रेंथ है। आप देखें अगर लॉकी फर्गुसन और साथ साथ ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी जिस तरह की ये गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए कठिनाई पेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर विकेट देखें आप धर्मशाला का तो फास्ट बॉलिंग को थोड़ा असिस्ट करता है, वहाँ पर गेंद मूव भी होता है, स्विंग करता है क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो शुरुआती जो ओवर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच के, अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करता है तो भारतीय बल्लेबाजों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि अर्ली विकेट्स नहीं खोने चाहिए। ट्रेंट बोल्ट जाने जाते हैं अर्ली विकेट्स लेने के लिए, तो वहाँ पर भारत को केयरफुल रहना होगा भारतीय बल्लेबाजों को कि वो पावर प्ले में ज़्यादा विकेट्स नहीं खोएं। आप भारत को लेकर जिक्र कर रहे हैं, सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है आज भारत को, अर्ली विकेट्स ना खोएं इसका खास ध्यान रखा जाए। और साथ ही अगर हम दोनों मैचों का जिक्र करें
तो 116 जो अगर हम वनडे मैचेस की बात करते हैं जिसमें 58 जो है वो भारत ने जीते हैं, 50 न्यूजीलैंड अभी तक जीते हैं, अगर जितने भी मैचेस की हम देख रहे हैं, आज आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं सुनील जी? देखिए पास्ट, इसके अंदर कोई पास्ट रिकॉर्ड्स काम नहीं आएंगे। इसके अंदर जो आपका हेड टू हेड पिछले 4 मैचेस में हुआ है वो देखना होगा कि ये चारों अनडिफीटेड हैं, इनके 1 से 10 ओवर में कैसे कहा है। जैसे राजकुमार सर ने कहा है कि ये जो 10 ओवर है, शुरू के 4, 5, 6 ओवर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपकी कितनी विकेट गिर रही है या आपने कितना कंटेन किया। और आप ट्रेडिशनली देखें इंडिया इनसे 1 to 10 ओवर्स में एज अ बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये रन भी कंटेन करते हैं और ये कुछ विकेट्स भी अपनी अर्ली ब्रेक थ्रू लेते हैं। बट एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है कि हार्दिक पांड्या के जाने से आपका पूरा टीम कॉम्पोजिशन खराब हो गया। इसका मतलब है आपको अगर मोहम्मद शामी जाए, ये एक प्योर केस है, या आप बैट्समैन हैवी जाएंगे या आप बॉलर हैवी जाएंगे, आपको ये डिसाइड करना है। और ये इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की टीम मैनेजमेंट के पास है कि इसको कब करेंगे, और अभी अगले 15 मिनट में डिसाइड हो जाएगा कि क्या टीम है और क्या इनका वो हो जाएगा संतुलन क्या है। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि एक तो हम जिस तरह से देखें, अगर हम बात मैचेस को लेकर कर रहे हैं और टॉप ऑर्डर्स की कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं खिलाड़ी जो है वो फॉर्म पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आप पिच को लेकर आज क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि लगभग 364 रन जो है अभी हम पिछले मैचेस की बात करें तो इस पर बने हुए हैं, और कम अगर हम बात करें तो लगभग 165 के सबसे कम अगर हम स्कोर का बात करें तो 165 तक बना है। क्या लग रहा है आज क्या स्कोर होना चाहिए, और अगर हालांकि ये तो टॉस के बाद कहीं ना कहीं होगा कि कौन पहले खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन आज क्या उम्मीदें लग रही हैं स्कोर को लेकर? देखिए धर्मशाला के मैदान में 7 वनडे मुकाबले अब तक खेले जा चुके हैं और 7ों में ही टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है टीमों ने, और वो काफ़ी उपयोगी भी रहता है, बाद में ओस की भूमिका भी रहती है। आज धूप खिली हुई है तो इसलिए ओस जो है यहाँ 5:30 बजे के बाद ही ओस की भूमिका रहने लगी है। अगर यहाँ ओस की भूमिका ना होती या ये वेन्यू कहीं और जगह पर होता तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से राजकुमार जी मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि शायद रविचंद्रन अश्विन को हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूर खिलाते, क्योंकि 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं इस न्यूजीलैंड की टीम में, लेकिन क्योंकि अब 3 स्पिनर्स को खिलाना यहां लग्जरी हो जाएगा, तो इसलिए बहुत संभव है कि यहां जैसा उन्होंने कहा शमी और दूसरे सूर्य कुमार यादव यही टीम को बैलेंस देंगे, लेकिन बल्लेबाजी में एक बल्लेबाज हमारा कम हो जाएगा, जो 8वें नंबर पर हमारे पास शार्दुल ठाकुर होते थे या रविचंद्रन अश्विन होते थे, अब आपके पास शमी होंगे, तो इस तरह से बल्लेबाजी में थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, लेकिन गेंदबाजी हमारी जो लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि राजकुमार सर अगर हम पिच का जिक्र करें, आपको धर्मशाला की पिच जो है वो किसके फेवर में नजर आती है, बल्लेबाजों के लिए फेवर करती दिखती है या फिर गेंदबाजों के लिए, और दूसरा विराट कोहली से आज क्या उम्मीदें लग रही है, क्योंकि पिछले जितने भी मैचेस में अगर हम 4 मैच पे देखें तो शानदार परफॉर्म करते हुए विराट कोहली नजर आए हैं। देखिए जहाँ तक मैं विकेट की बात आप कह रहे हैं, तो ये विकेट ऐसा विकेट है जो भारत के कुछ गिने चुने विकेटों में से है जहाँ पर इनिशियली आप फास्ट बॉलर्स को मदद हासिल करते हुए देखेंगे। यहाँ पर अगर हिट द डेक भी है, अगर आप वो उस तरह के गेंदबाज हैं तो आपको अच्छा बाउंस मिलता है, अगर आप स्विंग कराने वाले गेंदबाज हैं तो आपको अच्छा स्विंग मिलता है यहाँ पर। लेकिन साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना भी अच्छा है, क्योंकि बॉल बैट पर आता है, यहाँ पर बॉल फंसता नहीं है, बॉल बैट पर आता है, जहाँ की मदद फास्ट बॉलर को मिलती है उतनी मदद भारतीय बल्लेबाजों को भी मिलेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज लाइक करते हैं, भले आप रोहित की बात करें, विराट की बात करें या शुभमन गिल की बात करें, ये सब लोग ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऑन द राइज खेलते हैं, जो चाहते हैं कि बॉल पड़कर तेज आए बैट पर, तो वहाँ पर जहाँ एडवांटेज फास्ट बॉलर्स के लिए है साथ साथ ये मदद भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी करेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है अनन्या कि यहाँ स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद नहीं होगी, स्पिनर्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा फेवर में ये जो पिच है वो नज़र नहीं आती। सुनील जी क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले हमने पाकिस्तान के जब खिलाफ जब मैच था तो हमने देखा कि एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी टीम इंडिया की मैदान में, जब ये लग रहा था कि दो दो विकेट कैसे जो हमारे बॉलर्स हैं वो लेते हुए नज़र आए, फास्ट बॉलर्स के फेवर में ये पिच है और बल्लेबाजों के फेवर में ये पिच नज़र आ रही है, जिस तरह से हमारे राजकुमार सर की तरफ से कहा गया, आपको क्या लग रहा है? देखिए जैसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ डेटा देख के एनालाइज करते हैं, और डेटा ये कहता है कि शुरू के जो फर्स्ट 10 ओवर्स हैं अगर उसके अंदर आपकी अगर आपकी बैटिंग एक्सप्लोसिव होती है विदाउट लॉस ऑफ विकेट तो आपको बहुत ही एडवांटेज मिल जाता है, और उसी को देखना है। और अगर आप देखें रोहित शर्मा की जो आप अगर बैटिंग देखेंगे आप उसके अंदर, रोहित शर्मा
रोहित शर्मा की जो हिटिंग एवरेज है वो स्ट्राइक रेट 127-28 कुछ कुछ टाइम पे 140 भी है शुरू के 10 ओवर में. दैट मीन्स ये बहुत अच्छा इंडिया के लिए बहुत अच्छा मुकाबला रहेगा और एडवांटेजेस रहेगा हिंदुस्तान के लिए. इंडिया के लिए अच्छा मुकाबला रहने वाला है. लेकिन राजकुमार सर, क्योंकि हम आज ये समझना भी ज़रूरी है कि आज टीम इंडिया के लिए क्या कोई चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर हम ये देख रहे हैं जिस तरह से देखा जाए, हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेल रहे हैं, वो हम बैटिंग में भी अगर उनकी बात करें और बॉलिंग में अगर बात करें, तो टीम इंडिया के लिए वो एक ब्रिज का काम करते हैं. तो ऐसे में क्या आप कोई चुनौतियाँ देख पा रहे हैं आज टीम इंडिया के लिए? देखिए, हार्दिक पांड्या का ना होना वाकई में एक बहुत बड़ा लॉस है भारत के लिए, क्योंकि वो बैलेंस देते हैं भारतीय टीम को. जैसा आपने कहा कि वो एक ब्रिज की तरह बिहेव करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका. वो थर्ड सीमर भी हैं और साथ साथ हम उनकी हिटिंग एबिलिटी सभी जानते हैं कि वो मैच विनर हैं बल्ले से भी. कुल मिला के एक बहुत कंप्लीट ऑलराउंडर हैं वो भारत के लिए, और उनका ना होना ज़रूर एक रिक्त स्थान ज़रूर छोड़ रहा है. लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे लगता है कि भारत को दो चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक प्योर बॉलर मोहम्मद शमी के रूप में आएंगे, और अगर मोहम्मद शमी आते हैं तो कहीं बॉलिंग बहुत लंबा हो जाएगा और टेल बहुत लंबी हो जाएगी. तो इसके मद्देनज़र मुझे लगता है कि शायद शार्दुल की जगह पर आप एक बल्लेबाज को खेलते हुए देखें, सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि अदरवाइज भारतीय बल्लेबाजी बहुत वीक नज़र आएगी. तो ये थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे और मुझे पूरी आशा है कि सूर्य कुमार यादव, जिनका रिकॉर्ड वनडे में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन T20 में बहुत शानदार है, तो यहाँ पर भी वो अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे. मोहम्मद शमी के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक प्रूवन मैच विनर हैं, वो शुरुआती विकेट्स लेकर देते हैं, डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं. तो उनका आना मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा भारतीय टीम के लिए, और वो एक एसेट की तरह मुझे पूरी उम्मीद है मैदान में उतरेंगे भारतीय टीम के लिए. क्या लग रहा है पावर प्ले में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टीम इंडिया की तरफ से? क्योंकि एक तो आपने बताया कि सबसे ज़्यादा तो ये कि आप अर्लियर विकेट ना दें, और दूसरा ये क्योंकि आज टीम इंडिया के पास मौका ये भी है कि आज जो जीतेगा, टीम इंडिया के पास टॉप वन पर, अगर हम टेबल पॉइंट की बात करें तो टॉप पर आने का आज मौका भी है. देखिए, बल्लेबाजी अगर भारत पहले करता है तो न्यूजीलैंड की ये गेंदबाजी काफ़ी स्ट्रांग है. फास्ट बॉलिंग अगर आप बात करें, हेनरी और ट्रेंट बोल्ट डालेंगे, लॉकी फर्गुसन जो कि वर्ल्ड के इस समय फास्टेस्ट गेंदबाज हैं वो वन चेंज आते हैं. लेकिन भारत का ने एक फोटे बनाया हुआ है, जिस तरह रोहित बल्लेबाजी कर रहे हैं कि वो अटैक कर रहे हैं आजकल, ऐसा नहीं कि वो सर्वाइवल के लिए पावर प्ले के खेलते हों, तो भारतीय टीम एक स्ट्रेटजी के तहत अटैक कर रही है. और वहीं पर अगर रोहित अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं और वो शुरू के 10 ओवर्स में अगर पावर प्ले में इसी तरह अटैक करने में कामयाब रहते हैं, तो फिर वो एक ऐसी फाउंडेशन ले हो जाती है कि भारत 300 पर आराम से पहुंच जाएगा. और इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि भारत पावर प्ले में विकेट्स ज़्यादा ना खोए, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट एक वाकई में एक मेजर खतरा है, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है अर्ली विकेट्स लेने की, तो वहाँ पर भारत को थोड़ा सा सावधान भी रहने की ज़रूरत है. मनोज जी, क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 15 मिनट में ही अभी टॉस होगा, क्या स्ट्रेटजी आज भारत की होनी चाहिए? देखो जी, एक तो यही है कि आप पावर प्ले में अपने विकेट ना खोएं, क्योंकि हेनरी जो है बहुत खतरनाक हैं, जैसा कि बोल्ट के बारे में बताया गया, क्योंकि हमने बोल्ट की तैयारी की थी 2019 में कि उनसे कैसे निपटा जाए, लेकिन हमारे विकेटों पर हाथ साफ कर गए हेनरी, दोनों सलामी बल्लेबाजों को उन्होंने आउट कर दिया. तो अब ये दोनों गेंदबाज मौजूद होंगे, और अगर जो चार मैच खेले हैं दोनों टीमों ने, जो चार चार मुकाबले जीते हैं, वहाँ पावर प्ले में जो न्यूजीलैंड है हमसे बेहतर रहा है. उन्होंने 6 विकेट चटकाए हैं और हम 3 विकेट जो है झटक पाए हैं इस पावर प्ले में. तो अब क्योंकि बुमराह को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ खेलने लगी हैं टीमें, और वहीं अगर सिराज को देखें तो सिराज जो है ज़्यादा क्रॉस सीम पर निर्भर रहने लगे हैं. शुरुआती ओवरों में उन पर बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे जाएं, तो हम उतने ज़्यादा विकेट ले नहीं पा रहे हैं. और वहीं हमें विकेट जो है अपना, जितना विकेट अपने बचाकर खेलेंगे उतना भारत के लिए अच्छा रहेगा. बेशक रन बने या ना बने शुरुआती 10-12 ओवर में, लेकिन उसके बाद आप एक्सेलरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से. पावर प्ले में थोड़ा संभल कर खेलने की, एक सधा हुआ गेम खेलने की जरूरत है भारत को. और साथ ही हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं. हमारे साथ सुजाता मुंबई से जुड़ गई हैं, हमारे साथ अक्षित दिल्ली से जुड़े हुए हैं. और सुजाता, आपके पास मैं पीछे देख रही हूं तमाम क्रिकेट फैंस से, और आज का दिन तो मुझे लगता है कि इन क्रिकेट फैंस को इंतजार है, क्योंकि बेहद रोचक ये मुकाबला होने वाला है. बात करिए जरा लोगों से, किस तरह की उम्मीदें आज टीम इंडिया से लोगों को नजर आ रही हैं.
देखिए अनन्या, बिल्कुल देखिए इस समय जो है मैं बोरीवली के स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही जो ये सभी लोग आप देख पा रही हैं हमसे लगातार कई समय से ये लोग संवाद भी कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं अपने एक्साइटमेंट मैच को लेकर, और सुबह से ही जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज आप खुद यहाँ पर मैच खेल रहे हैं अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ, और आज हमारा जो भारत है वो भी मैच खेलने वाला है, कितना एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक्साइटमेंट के दो कारण हैं। एक तो आज इंडिया ऑलरेडी अनबीटन है, 4 में से 4 जीत गया है, प्लस आज न्यूजीलैंड के सामने है जो ऑलरेडी अनबीटन है, टॉप कंटेंडर है, तो आज एक्साइटमेंट हाईएस्ट लेवल पे है, क्योंकि दो टॉप की टीम की मैच होने वाली है। अभी तक क्या हो रहा था, वन साइड मैच हो रहा था, लेकिन आज कांटे की टक्कर होगी, तो थोड़ा टक्कर की मैच होगी तो मज़ा भी आएगा, इसलिए आज की एक्साइटमेंट हाईएस्ट है। आज की एक्साइटमेंट हाईएस्ट है, रविवार है आज का दिन और सभी लोग अपने घर पे छुट्टी मना रहे हैं, आप भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए क्या प्लान? यहाँ से हम लोग अभी मैच खत्म होगा तो सब साथ में जाके, एक बड़ा घर है उधर जाके बड़े स्क्रीन पे मैच देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ विराट कोहली के कोच जो राजकुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहीं विराट कोहली के कुछ जबरदस्त फैन कहा जाता है जिन्हें, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। विराट कोहली फॉर्म में है, पिछले मैच में सेंचुरी बनाए हैं, इस मैच में क्या उम्मीद? इस मैच में भी जल्दी एक विकेट गिरे और विराट और रोहित शर्मा की बड़ी पार्टनरशिप हो, उसमें विराट कोहली एटलीस्ट 100 बनाए जिससे सचिन तेंदुलकर का इक्वलाइजेशन हो जाए और नेक्स्ट मैच में यही वर्ल्ड कप में वो रिकॉर्ड भी टूटे। वी आर वेरी एक्साइटेड, इंडिया जीते हारे वो ठीक है, लेकिन विराट कोहली का 100 आज होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। एक दूसरा सेंचुरी जो है वो आज होना ही चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। आप क्या बोलेंगे, मैच खेल रहे हैं, मैच खुद आप प्रैक्टिकली खेल भी रहे हैं, देखने भी वाले हैं, 15 से 20 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि टीम कौन है, कौन कौन खेलने वाला है, क्या अपेक्षाएं हैं आज की मैच? आज की मैच में मुझे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की सेंचुरी देखनी है और इंडिया वन साइड मैच जीते, बस मेरा वही एक्साइटमेंट है इंडिया। इनका जो है आपने सुना अनन्या, इनको आप क्या बोलेंगे, आज का जो मैच है न्यूजीलैंड एक तगड़ी टीम है, 2019 का बदला लेने को लेकर जो है सभी लोग का एक ही मोटिव रहेगा कि न्यूजीलैंड से बदला लिया जाए। एमएस धोनी को जो है ट्रिब्यूट काफी लोग बोल रहे हैं कि दिया जाने वाला है, कैसे देखते हैं आज की मैच को, कितना ज्यादा इंपैक्टफुल रहने? एज अ ओपनर जो है शुभम गिल और रोहित शर्मा एज अ सेंचुरी दोनों पार्टनरशिप में कर रहे, और सेकेंडली जो विराट कोहली जो उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे, और हम लोग वही चेक कर रहे कि हमारा न्यूजीलैंड के सामने जो बदला है वो इजीली क्रेजली हम लोग बीटेक कर रहे हैं वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या बोलेंगे आज का क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी लेकर जो है वहां पर काफी सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, धर्मशाला स्टेडियम में हो रहा है, हालांकि इस समय मौसम साफ है, लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है जो पिच है उसको लेकर? आप लोग मैच खेलते भी हैं तो ज्यादा टेक्निकलिटीज आप लोग जानते हो। अभी जस्ट मैं पिच रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, अभी पिच रिपोर्ट ठीक है, मैं सुजाता मैं आपके पास आऊंगी, राजकुमार सर को भी मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि जो तमाम विराट कोहली के फैंस हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2019 का आज बदला लेने का दिन है जब सेमीफाइनल में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था न्यूजीलैंड से, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए वो एक बहुत खराब मैच था भारत के लिए और नेक्स्ट डे पर चला गया था, बहुत अनफॉर्चुनेट था कि भारत वो मैच हारा था और बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि भारत ने ये वो वाला मैच हार जाएगा, तो बदला लेने की बात तो नहीं, लेकिन हाँ भारत को एक कहीं ना कहीं वो एक कसक तो ज़रूर है उस मैच के हारने की, और सभी वही प्लेयर्स हैं जो अभी इंडियन टीम में हैं, 90% वही टीम है जो उस वो मैच हारी थी, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड आपके रहता है कि हम वो वाला मैच हार गए थे, तो आज मुझे लगता है कि भारत अपने पोटेंशियल पर अगर खेलता है अनन्या तो भारत इजीली ये मैच जीत जाना चाहिए। इजीली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन कंडीशंस में भारत का पलड़ा बहुत भारी है न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड एक बहुत शानदार टीम है, अपने चारों मैच जीत कर आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि भारत एक बेहतर टीम है और मुझे पूरी आशा है कि आज भारत का प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहने वाला है। चलिए राजकुमार सर, मैं आगे भी आपके पास आऊंगी और इसके बाद मैं मनोज जी आपके पास भी आना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले बात करेंगे हेडलाइंस की। प्रेजेंट खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक हैं पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MD। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच सच MDH MDH प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री टेस्ट ऑफ हर्ट। इस
इजरायली सेना का लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला, 6 आतंकियों को किया ढेर, हिजबुल्ला के रॉकेट हमले को भी किया नाकाम, इजरायल का युद्ध में दखल देने का आरोप। इजरायली सेना का अटैक तेज, गाजा में हमास के कई ठिकानों को किया ध्वस्त, बॉर्डर पर टैंक और बॉम्ब का जखीरा मौजूद, जंग में अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत। युद्ध के बीच भारत ने दिखाई दरिया दिली, भारत ने फिलिस्तीन की मदद के लिए भेजी राहत सामग्री, हिंडन एयरबेस से वायुसेना का C-17 विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचा। तेलंगाना में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 3 सांसद और 12 महिलाओं को टिकट, बयानवीर टी राजा सिंह को गौशा महल से लड़ेंगे चुनाव। अचानक आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की बदली जेल, रामपुर से सीतापुर आजम खान को शिफ्ट किया गया, सपा नेता ने जताई एनकाउंटर की आशंका। थोड़ी ही देर में वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा हाई वोल्टेज महामुकाबला धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत, भारतीय टीम कर सकती है आज 2 बदलाव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुछ ही देर में मैच खेला जाएगा। एक तरह से न्यूजीलैंड की अगर हम 5 बड़ी बातों का जिक्र करें तो केन विलियमसन और टिम साउदी के बिना भी नंबर 1 पर है टीम। अलग अगर हम बात करें जिस तरह से आग उगल रही है मैच हेनरी और ट्रेंट बोल्ट पेस बैटरी, और साथ ही वर्ल्ड कप में अलग ही दिख रहे हैं मिचेल सेंटर की अगर हम बात करें तो क्या खास बातें हैं अगर न्यूजीलैंड की हम जिक्र कर रहे हैं। इंग्लैंड के अलावा अगर हम बात करें तो किस तरह से एक ये देखा जा सकता है कि कैसे इंग्लैंड के अलावा भी अगर हम ये समझते हैं तो वर्ल्ड कप में अलग ही दिख रहा है मिचेल सेंटर की अगर हम बात करें। इंग्लैंड के अलावा फिलहाल छोटी टीमों से हुआ है मुकाबला और साथ ही बड़े मैचों में खलेगी कहीं ना कहीं एक तरह से कप्तान विलियमसन के अनुभव की कमी, ये भी आज न्यूजीलैंड जो है वो चीज़ें फेस कर सकता है। कप्तान की कमी क्या खल सकती है न्यूजीलैंड को, ये तो आने वाला समय बताएगा। और अगर हम भारत को लेकर जिक्र करें तो क्या 5 बड़ी बातें हैं, उनको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपको बता दें कि इस विश्व कप में भारत की 5 बड़ी बातें, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसे दबाव वाले मैचेस में आसानी से जीत हासिल कर ली, फॉर्म में बल्लेबाजी, सबसे ज़्यादा रनों के मामले में रोहित जो है वो नंबर 1 पर है, पिछले मैच के शतक वीर विराट की अगर हम बात करें तो 4 मैचेस में से 2 में वो नाबाद रहे हैं, कमाल कर रहे हैं गेंदबाज, 4 मैचेस में चटका चुके हैं अभी तक 36 विकेट, और वहीं विकेट के आगे ही नहीं आपको बता दें कि विकेट के पीछे भी कमाल कर रहे हैं केएल राहुल। लेकिन इन सब के बीच आज मैदान में दोनों ही टीमें किन चुनौतियों का सामना करती हुई नजर आती हैं ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने संवाददाता अक्षित के पास जाऊंगी। अक्षित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि मैं देख रही हूं आपके पीछे तमाम क्रिकेट के फैंस हैं और जाहिर सी बात है आज टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें हैं इन सभी को। जी बिल्कुल, देखिए आज रविवार का दिन है और ये बहुत यादगार होने वाला है क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया बनाम न्यूजीलैंड अब बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम इन प्लेयर्स से भी जानने की कोशिश करेंगे इनमें कितना उत्साह है। तो आप हमें सबसे पहले बताइए, सबसे बड़ा मुकाबला है, बहुत रोमांचक होएगा, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको पता ही होगा न्यूजीलैंड इंडिया से काफ़ी टाइम से जीता नहीं है, तो हम ये होप करते हैं कि जल्द से जल्द जीते। बिल्कुल, हम और लोगों से भी बात करेंगे। न्यूजीलैंड जो है इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं है तो इंडिया भी स्ट्रांग ही, दोनों ने 4-4 मैच जीत गए हैं, अभी देखते हैं कौन जीतेगा। इंडिया भी ज़्यादा टॉप ऑर्डर, सभी अच्छा कर रहे हैं तो देखेंगे अभी। आप भी हमें बताइए, जैसा कि हम हार्दिक पांड्या जो है आज नहीं खेल पाएंगे इंजरी की वजह से, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट पड़ेगा काफ़ी वैसे तो, लेकिन उसकी जगह सूर्य कुमार यादव को चांस मिलेगा तो हो सकता है वो उससे बेटर खेले, यही उम्मीद करते हैं हम। बिल्कुल, आप जैसे कि इन सब लोगों को सुन पा रहे हैं किस तरीके से बता रहे हैं कि क्योंकि उत्साह बहुत ज़्यादा है, सबकी नज़रें जो हैं इस मैच पर टिकी हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स बैटल है।
क्योंकि जब इंडिया न्यूजीलैंड की अगर हम इस बार बात करें तो दोनों ही जो टॉप फोर में है टेबल के, पहले नंबर पे जो है न्यूजीलैंड है और दूसरे नंबर पे भारत है, तो सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं मनोज जी। लेकिन अगर हम बात न्यूजीलैंड की यहाँ पर करते हैं तो केन विलियमसन और टिम साउदी के बिना भी टीम नंबर वन पर है। वहीं भारत की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे, जिसमें प्रेशर हम कहते हैं कि टीम इंडिया पर रहता है, उन मैचेस को भी बहुत आसानी से टीम इंडिया ने जीत लिया। और दूसरा जो न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बड़ी टीम से मुझे लगता है कि अभी तक मुकाबला जो है वो हुआ है, बाकी सभी छोटी टीमों से ही मुकाबला हुआ है, सिर्फ इंग्लैंड एक बड़ी टीम जिससे मुकाबला हुआ। तो आज क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? देखिए, आपने जो जिक्र किया कई जो बेंच स्ट्रेंथ है उसका जिक्र किया, क्योंकि अगर इसी बीच एक बड़ी खबर कर लेते हैं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इंडिया ने टॉस जीता है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर ये जानकारी सामने आ रही है कि इंडिया ने टॉस जीत लिया है। क्रिकेट का महामुकाबला जहां पर भारत ने टॉस जीता है, अब भारत पहले फील्डिंग करना पसंद करेगा या फिर पहले बैटिंग करना पसंद करेगा ये तो अभी डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल टॉस जीता है। देखिए, भारत ने फील्डिंग करने का पहले फैसला किया है, ये डिसीजन लिया गया है, भारत ने पहले फील्डिंग करने का यहाँ पर फैसला लिया है। इस पर सीधे कमेंट जो है मैं राजकुमार सर आपका चाहूंगा, टॉस जीता है और फील्डिंग पहले करने वाली है भारत। अनन्य की भारत पहले गेंदबाजी करेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस विकेट पर थोड़ा मदद मिलती है फास्ट बॉलर्स को, फ्रेश विकेट है, थोड़ा कैरी भी होगा, बाउंस भी होगा और यहाँ पर बॉल स्विंग भी करता है। और साथ साथ एक दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद में यहाँ गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर काफ़ी आता है, हिली स्टेट है, हिली ग्राउंड है, ये आसपास हिल्स हैं तो काफ़ी ड्यू होता है यहाँ पर शाम को, और वहाँ पर ग्रिप करना स्पिनर्स के लिए खासकर, फास्ट बॉलर्स के लिए भी मुश्किल होता है। एक दो बार बॉल बाउंड्री पर जाती है तो बॉल गीला हो जाता है और फिर वो स्विंग होना बंद हो जाता है। वहीं पर स्पिनर्स के लिए वो बॉल को ग्रिप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और कुलदीप यादव जिस तरह के गेंदबाज हैं, जो जिस तरह के रिस्ट स्पिनर हैं, वो उनके लिए तो बहुत सारी मुश्किलें हैं अगर वो बाद में गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि गेंद अगर गीला है तो उनको बहुत मुश्किल होगी। और ये सारी चीज़ें कंसिडर करके भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एज इट इज़ भारत हमेशा एक गुड चेजर माना जाता है, अभी तक के सारे आप मुकाबले देखें अनन्या तो हमने सब चेज कर ही जीते हैं, तो भारत उसी रिकॉर्ड को अपने कायम रखना चाहता है। बिल्कुल, इस पर मनोज जी मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी और अपनी पहले वाली बात भी आप पूरी करिएगा, जो सवाल मैंने पहले किया था, पहले जिस तरह से गेंदबाजी करने का भारत ने ये फैसला लिया है, गुड चेजर कहा जाता है, क्योंकि आपने राजकुमार सर को भी चुना है, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि लास्ट में इस पिच की हम बात करते हैं जहाँ पर गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत अच्छा चेज मास्टर रहता है, और विराट कोहली हो या जो अन्य खिलाड़ी हैं वो वाकई मतलब चेज करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। रोहित शर्मा तो बिल्कुल एडम गिलक्रिस्ट की याद ताज़ा कराते हैं, मैथ्यू हेडन की याद ताज़ा कराते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी तरह से देते हैं, इतनी बढ़िया शुरुआत देते हैं कि मिडिल ऑर्डर पर दबाव भी कम हो जाता है। और जिस तरह से अब सूर्य कुमार यादव, अभी बहुत जल्दी टीम का भी ऐलान होने वाला है तो पता चल जाएगा कि सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार जो है वो आज खेलेंगे, ये अभी ताज़ा जानकारी मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। सूर्य कुमार यादव आए हैं और ये बिल्कुल बीच के ओवरों में जो है अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। मैदान छोटा है, डायमेंशन अगर देखें तो, अगर आप इनका स्क्वेयर बाउंड्री देखें काफ़ी कम है, हालांकि कंडीशंस ये न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, हाई एल्टीट्यूड पर है ये मैदान, और न्यूजीलैंड में भी कंडीशंस कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं, रग्बी मैदान है वहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्री बड़ी होती है, स्क्वेयर बाउंड्री जो है बहुत छोटी होती है। कंडीशंस बेशक न्यूजीलैंड के फेवर में हों, लेकिन यहाँ अभी जो पिच रिपोर्ट आई है रवि शास्त्री की और साइमन डूल की, उनका यही कहना है कि पिच जो है स्लोअर साइड पर है। मैं इस वक्त राजकुमार शर्मा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। राजकुमार जी, क्या किस तरह से देखते हैं, पिच में उतनी घास नहीं है और पिच स्लोअर साइड पर है जैसा कि रवि शास्त्री ने कहा है? देखिए मनोज जी, ये एक्सपेक्टेड भी था मुझे भी कि बहुत ज़्यादा ग्रास नहीं दी जाएगी। आप अगर फास्ट बॉलिंग अटैक देखें तो वही एक स्ट्रेंथ है न्यूजीलैंड की, अगर आप देखें उनके पास तीनों फास्ट बॉलर बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं। भारत का भी पेस बॉलिंग अटैक अच्छा है, लेकिन भारत के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, तो ये एक्सपेक्टेड था कि भारत बहुत ज़्यादा पेसी विकेट नहीं देगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि उन्हें आदत है इन फास्ट विकेट्स पर खेलने की, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो विकेट एक्सपेक्टेड था, और मुझे लगता है कि उसी के मद्देनज़र ये ऐसा किया गया है। और अगर यहाँ पर ग्राउंड थोड़ा बड़ा होता तो मुझे उम्मीद थी कि अश्विन भी खेलते हैं, अगर तीसरा स्पिनर भी खेल सकता था
लेकिन क्योंकि ग्राउंड छोटा है और कंडीशंस वहां पर ऐसी हैं कि बाद में ड्यू हो जाएगा और एक फास्ट बॉलर की भारत को जरूरत थी, तो बहुत शानदार रिप्लेसमेंट है मोहम्मद शमी के रूप में, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, अर्ली विकेट टेकर हैं वो, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला है और एक अच्छा टॉस भारत ने जीता है। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं शानदार रिप्लेसमेंट की आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार जो है वो आज खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या चेस करने का फैसला लेना, ये चीजें आने वाले समय में और हम देखेंगे क्या भारत के फेवर में जाते हुए नजर आएंगी, आज आपको उम्मीद लग रही है? अनन्या, मुझे लगता है कि भारत ने सही फैसला लिया है चेज करने का, क्योंकि अभी तक हम चेज ही करते हुए आए हैं इस टूर्नामेंट में और भारत काफ़ी कंफर्टेबल है चेज करते हुए, और बाद में जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि ड्यू भी काफ़ी आ जाएगा, तो उसी के लिए काफ़ी मुश्किल होगी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को वहाँ पर गेंदबाजी करने में, क्योंकि बॉल जब गीला होगा और एक दो बार जब वो बाउंड्री लाइन पर जाता है तो आप उसे सुखा तो देते हैं लेकिन बॉल स्विंग होना बंद हो जाता है, तो वहां पर ट्रेंट बोल्ट जैसा गेंदबाज जो कि रिलाय करता है अपनी स्विंग पर, तो उनके लिए काफी मुश्किलें होंगी। बिल्कुल, और इसके साथ ही एक और सवाल जो मैंने इससे पहले मनोज जी से किया था, क्योंकि केन विलियमसन और टिम साउदी के बिना भी न्यूजीलैंड जो है वो नंबर वन पर है, अभी तक सिर्फ एक ही बड़ी टीम से मुकाबला जो है वो हुआ है, बाकी सब छोटी टीम से के साथ मुकाबला हुआ इंग्लैंड के साथ, लेकिन अगर हम भारत का वही जिक्र करते हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों के साथ जब मैच होता है तो हम ये देखते हैं प्रेशर जो है वो दिखता है, लेकिन ये मैचेस भी हमने देखा है कि बहुत आसानी से टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली, और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो वो एक तरह से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, विराट कोहली की अगर हम बात करें तो दो पिछले मैचेस में वो नाबाद रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि भारतीय टीम राइट टाइम पर पीक की है, सभी आपके खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आप भले बल्लेबाजों की बात करें, पहले मैच में शुभमन गिल नहीं थे लेकिन उनके अलावा आप जिसको भी देखें सभी एक अच्छे निक में नज़र आ रहे हैं, आप बिल्कुल रोहित शर्मा की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं कि दोनों अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन साथ साथ आप अगर केएल राहुल को देखें, श्रेयस अय्यर को देखें, तो वो अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी मिडल कर रहे हैं, बॉल एट विल स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि सभी प्लेयर्स फॉर्म में हैं, साथ साथ बुमराह के आने से गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग लग रही है भारत की, कुलदीप यादव शानदार फॉर्म में है, रविंद्र जडेजा उनका प्रदर्शन हमेशा ही बहुत शानदार रहा है भले वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में, तो कुल मिलाकर अनन्या एक बहुत स्ट्रांग यूनिट की तरह भारतीय टीम लग रही है, जहां पर कि सभी अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और सबको अपना रोल बहुत ही क्लियर है। बिल्कुल, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ जयपुर से विष्णु हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विष्णु, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया ने टॉस भी जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, आपके साथ जो क्रिकेट फैंस मौजूद हैं उनसे जरा बात करिए, कितने एक्साइटेड हैं आज के मैच को लेकर वो? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं SMS स्टेडियम में मौजूद हूँ, यहाँ एक मैच चल रहा है, उसके कुछ खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत करते हैं। इंडिया ने टॉस जीत लिया है, क्या लगता है कि मैच? इंडिया का जो शुरू से जो रिदम चल रहा है और जिस तरीके से और मैच जीते हैं उनसे लग रहा है कि आगे भी वो लगातार अपनी जीत को कायम रखेंगे, उनके खिलाड़ियों का अभी अच्छा चल रहा है इस साल के जो मैच चल रहे हैं वर्ल्ड कप के, तो अच्छा रहेगा इंडिया का, और सब लोगों की दुआएं भी उनके साथ हैं पूरे देश की। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है बराबर का मुकाबला, टक्कर का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है? इंडिया जीतेगा बिल्कुल, जिस रिदम में खेल रही है इंडिया और जो खिलाड़ी इस समय, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबकी इस समय फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो हम सबकी विशेष भी यही है कि वो जीते और जीतेंगे। आपको क्या लगता है भैया, क्या टीम इंडिया कमाल चलिए? विष्णु, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ लगातार यहाँ पर राजकुमार सर भी बने हुए हैं और साथ ही मनोज जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्योंकि साफ तौर पर उम्मीद है सभी को यही है कि इंडिया आज जीतेगा, लेकिन क्या लग रहा है, क्या स्कोर आज बनने वाला है और क्या न्यूजीलैंड को आज कप्तान विलियमसन की कमी खलेगी? देखिए, विलियमसन इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही मुकाबला खेल पाए हैं, हमें तो टिम साउदी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था लेकिन वो भी नहीं उतरे हैं, तो तीन फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास और मिचेल सेंटनर के रूप में एक ऐसा स्पिनर है जिसकी गेंद सबसे ज़्यादा टर्न हो रही है, सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने चटकाए हैं। अगर हम आज जडेजा पर फख्र करते हैं या आज हम कुलदीप यादव पर फख्र करते हैं कि मिडिल ओवर्स में ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई मिडिल ओवर में कोई है तो वो है यही खिलाड़ी, यानी मिचेल सेंटनर।
तो अब सेंटनर से भी बीच के ओवरों में बचकर रहना होगा क्योंकि गेंद उनकी बहुत ज़्यादा घूम रही है। 200 आपने पूछा स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर तो मैं समझता हूँ 280 से 290 क्योंकि इसके बाद अगर ज़्यादा जितना बड़ा स्कोर होगा उतना चेस करने में भारत को मुश्किलें आएंगी क्योंकि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान के खिलाफ ही सबसे बड़ा स्कोर चेस किया था इस टूर्नामेंट का। बाकी टीमें तो खैर आपको पता ही है कि दो टीमें तो अच्छी आला दर्जे की टीमें चाहे वो पाकिस्तान हो ऑस्ट्रेलिया हो 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी भारत के सामने। तो आप जो उम्मीदें कर रहे हैं कि लगभग 280 तक स्कोर जो है वो बनना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें कि अक्षित भी हैं और जो कि इस वो के क्रिकेट मैदान में मौजूद है। आप अक्षित मैं आपके पास आऊँगी लेकिन मनोज जी क्योंकि हमने देखा है प्रेशर वाले मैच का जब मैं जिक्र कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत शानदार खेलती हुई नजर आई टीम इंडिया, पाकिस्तान जिसे हम हाई प्रेशर वाला मैच कहते हैं वो भी बहुत आसानी से टीम इंडिया ने जीत लिया और कैसे स्ट्रेटजी जो है वो हमने देखा था कि एक तरह से टीम इंडिया की तरफ से थी कि दो दो विकेट जो है वो सभी जो विकेट कीपर हैं उनकी तरफ से लिए गए। आज भी इसी तरह की स्ट्रेटजी जो है वो आपको आज मैदान में नजर आने की उम्मीद है? जी हाँ बिल्कुल, भारत प्लान ए प्लान बी प्लान सी हर तरीके से चलता है और अगर अभी तक तो हमारा प्लान ए ही कामयाब हो रहा है लेकिन अब शुरुआती ओवरों में विकेट ना झटक पाना ये भारत का थोड़ी सी एक भारत के लिए परेशानी का सबब होता है। लेकिन प्लान बी जो होता है हमारा जो 33वें ओवर से शुरू होता है और वहाँ पर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं, जैसा कि आपने देखा कुलदीप यादव आते ही विकेट चटकाते हैं, उसके बाद दबाव और ज़्यादा दबाव डालने के लिए जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे या तीसरे स्पेल में, तो वो भारत के लिए बहुत कारगर है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जिस तरह से भारत गेंदबाजी में चल रहा है, जिस तरह से रोहित शर्मा फील्ड प्लेसमेंट लगा रहे हैं और जिस तरह से गेंदबाजों से बातचीत करके जो है एक स्ट्रेटजी तय की जाती है बैठकर, तो ये एक टीम यूनिट की तरह खेल रही है बिल्कुल उसी तरह जैसे 2011 में खेली थी या 1983 में खेली थी। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि टीम यूनिट की तरह खेल रही है और मुझे लगता है कि यूनिटी अगर मैदान में नजर आएगी तो मैच जीतना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यूनिटी जरूरी है अगर आप किसी भी तरह के चाहे क्रिकेट हो या बाकी गेम्स हो, लेकिन आज विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा से क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? देखिए विराट कोहली जो एक सेंचुरी बना चुके हैं, दो हाफ सेंचुरी बना चुके हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरह से उनकी सेंचुरी ने गदगद कर दिया था पूरे भारतीय समुदाय को और जिस तरह से रोहित शर्मा शुरुआती ओवरों में गिलक्रिस्ट की याद ताज़ा कराते हैं और जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मध्यक्रम पर दबाव खत्म करने का काम करते हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और जिस तरह से उन्होंने जो है इस बार 86 रन की एक पारी खेली अफगानिस्तान के खिलाफ जो 131 रन बनाए वो काबिले तारीफ है। शुभमन गिल जिन्होंने जो पहले दो मुकाबले नहीं खेल पाए थे अस्वस्थ होने की वजह से अब वो पूरी तरह फिट हैं, एक हाफ सेंचुरी वो भी लगा चुके हैं। केएल राहुल को तो कोई आउट ही नहीं कर पाया इस पूरे टूर्नामेंट में, आप जितनी भी उनकी पारियां देखें आप वो नॉट आउट ही लौटे हैं और विराट कोहली के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी है। श्रेयस अय्यर वो भी अब शॉर्ट पिच डिलीवरीज जो हैं जो उनकी कमजोरी हुआ करती थी अब उसको उन्होंने अपनी ताकत बना लिया है, जिस तरह से शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर वो पुल शॉट खेल रहे हैं वो काबिले तारीफ है और उन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी बनाई है। तो बल्लेबाजी मुकम्मल है मेरे ख्याल से, बस शुरुआती ओवर जो है 10-12 ओवर निकाल लीजिए, बस यही पूरा देश दुआ कर रहा है कि हेनरी भी ये वही हेनरी हैं, ये वही बोल्ट हैं जिन्होंने परेशान किया था भारत को पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले। सेमीफाइनल का आप जिक्र कर रहे हैं इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी लेकिन विष्णु भी हमारे साथ जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। विष्णु बात करिए जरा जो तमाम क्रिकेट फैंस आपके साथ है किस तरह की उम्मीदें हैं आज टीम इंडिया से? जाहिर सी बात है एक बड़ा मौका है आज क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर भी टॉप पर आ जाएगी आज की जीत के बाद अगर आज जीतती है टीम इंडिया। इंडिया जीतती है तो कहीं ना कहीं नंबर वन पर टीम इंडिया आ जाएगी। कुछ क्रिकेट फैंस हैं उनसे फिर से बातचीत करते हैं। सर क्या लगता है आपको आज क्या उम्मीदें हैं, किस किस जो बैट्समैन है उससे आपको उम्मीद है? बैट्समैन देखो जो भी खेल रहे हैं ओपनर हैं वो सारे अच्छे हैं, मिडिल वाले भी अच्छे हैं, सारे बैट्समैन इसके अच्छा है उनका अच्छा चलेगा और उम्मीद सारे लोगों ने यही कर रखी है। पीछे के भी मैच हैं जो सारे अच्छे जीतते हैं अपनी टीमें तो आज भी उम्मीद है, मैच बहुत मार्जिन से निकलने की उम्मीद है और निकलेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा और वर्ल्ड कप तक की उम्मीद है कि वर्ल्ड कप इंडिया के पास ही है। सारे ज्योतिषी वगैरह हैं और विशेषज्ञ हैं वो सब इसी चीज़ की कयास लगा के बैठे हैं कि अब की बार का वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर आएगा। छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है आज टीम इंडिया का मैच है? विराट कोहली। विराट कोहली घर जाके देखोगे मैच? नहीं। क्यों? विराट कोहली। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी तो अब रिटायर हो चुके हैं, अभी टीम में कौन है? अभी मेरे को विराट कोहली।
तो देखिए कहीं ना कहीं विराट कोहली से हर जो वर्ग के जो लोग हैं, खिलाड़ी हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबको विराट कोहली से उम्मीद है। पिछले मैच में जिस तरह का प्रदर्शन विराट कोहली की ओर से किया गया था, लगातार टीम इंडिया को जीत दिलाते हुए आ रहे हैं। अभी भी जो लोगों की उम्मीद है वो विराट कोहली से लगी हुई है, और विराट कोहली आज किस तरह का मैदान में प्रदर्शन कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील यश काला भी हमारे साथ जुड़े, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया शानदार मुकाबला जो है वो शुरू हो गया है, भारत ने टॉस जीता है। साथ ही आपको बता दें कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला जो है वो भारत ने लिया है, क्योंकि जिस तरह की पिच धर्मशाला की बताई जाती है, ये कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर मदद मिलती है, बल्लेबाजों को मदद मिलती है, लेकिन मैच जैसे जैसे धीमा होता है, या ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे एक तरह से ये कहा जाता है कि जो बॉलर्स हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल आज देखना ही होगा कि ये महामुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है।